के न्यूज में आप तमाम का खैर मकदमे बढ़ते हैं खबर की जाए। बहादुरपुरा पुलिस ने पकड़ा एक कम उम्र रहसन को। बताया गया गाड़ियां चोरी का मामला था, 5 लाख रुपए की गाड़ियां भी जब्त की गई। मोहम्मद जावेद नामी एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनकी गाड़ी की चोरी हो गई। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद बताया गया कि तहकीकात जारी थी। इसी दौरान पुलिस को एक शख्स पर शक हुआ, वो गाड़ी लेकर जा रहा था। पुलिस को देखकर उसके सस्पिशियस मैनर को देखकर पुलिस ने उसे जब रोककर दस्तावेजात तलब किए तो बताया कि वो उस गाड़ी चोरी की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने जब तहकीकात की तो तकरीबन 10 गाड़ियां इसके कब्जे से दस्तियाब हुई। ये मामला फलकनुमा डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के हदूद का बताया गया। बाद अज़ा इस लड़के को जुवेनाइल होम में भेजा दिया गया। ये तमाम तर कार्रवाई क्राइम टीम बहादुरपुरा पी एस श्री एम राजू एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अलावा ए श्रीकांत सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पी सी में श्री डी नागराजू श्री आर अरुण कुमार के ने अंजाम दी, जबकि श्री ए सुधाकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पी एस बहादुरपुरा की लीडरशिप में यह काम किया गया। बताया गया कि श्री शेख जहांगीर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फरकनुमा डिवीजन साउथ जोन हैदराबाद ने इस तमाम तर कार्रवाई की निगरानी की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। गुड आफ्टरनून, आज जो कल शाम में 6 बजे हमारे बहादुरपुरा डीआई श्री राजू साहब और उनके एसआई श्रीकांत और उनके कांस्टेबल ऑफिसर्स नागराजू और अरुण कुमार ये लोगों का साथ लेते हुए ये बीच में 2 मोटरसाइकिल गए थे। उस सिलसिले में हम लोगों मोटरसाइकिल की चोरियां हो रहे ना रैंडम चेक करने के लिए कल चेक कर रहे थे तो एक बच्चा जो है सो एक मोटरसाइकिल लेके हिचकिचाते हुए हमारे लोगों को पकड़ा गया। उसके पास उसको पूछताछ किए तो उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ भी नहीं है। तो घट पूछने पर उनका जो चोरी जो है सो खुबलते हुए और ये ना हो कि और 9 गाड़ियाँ चोरी करा मेरे घर के पास रखा बोल तो वो बाद में बेच लेंगे बोल के रखे उन्होंने, अगर पुलिस वाले अभी बेचे तो वो होता बोल के और थोड़ा बेचना भी नहीं मालूम बच्चे को। वो बच्चे का वालिद साहब भी मेंटली इल हेल्थ है, वो घर के पास रखा, वो घर के पास पंचनामा करके हमारा इंस्पेक्टर जो है सो पूरे व्हीकल्स 10 व्हीकल्स रिकवरी हुआ और इसमें मुगलपुरा के 3, हुसैनी आलम के 2 और यहाँ के 2, पूरे 8 गाड़ियों का तो केसेस हुए। 2 गाड़ियाँ किसके नहीं मालूम, लेकिन वो गाड़ियों के बारे में भी हम उसका नंबर के तहत ओनर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका भी उनको भी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा छोटा बच्चा है, मासूम है, 15 साल का है, अभी प्रीवियस केसेस कुछ नहीं है फिलहाल। तो दूसरी चीज़ ये लोगों को जो अच्छा काम किया ये काम को बधाई देते हुए हमारे डीसीपी श्री साई चैतन्य सब ये लोगों को रिवार्ड भी दिए। सर ये अकेला नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, अगर कुछ है वैसा हम तहकीकात करेंगे।